तुम यही कहने आए हो ना मैडम सर से कि मैडम सर हम इसके आगे जो है अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे बस का बात नहीं, हम फोन हमको बहुत अच्छा लगता है, यही कहने आया ना? अरे जल्दी बोलिए, हमारा बात सिद्ध हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बोल दी। कुछ कहना है संजय आरुषि? जी जी मैम, हमें कहना था कि हम आपसे ही मिलने आए थे, हमें आपका जो सेशन है बहुत अच्छा लगा, आप बहुत ही कमाल की इंस्ट्रक्टर हैं और हम आगे भी आपके सेशंस अटेंड करेंगे, है ना आरुषि? या मैम, हमें बहुत मजा आया और हम फेल नहीं हुए मैम, हम आपको यही बताने आए थे कि हम आपके एंटी एडिक्शन का हर एक सेशन अटेंड करेंगे, वी आर नॉट लूजर्स मैम। और जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इनफैक्ट वी आर यंग जनरेशन। और प्लीज हमारे मॉम डैड को यहाँ मत बुलाइएगा। ठीक है, नहीं बुलाएंगे। I am proud of you. क्या बात है करिश्मा सिंह, हम तो बस सोचते ही रह गए कि सिचुएशन में करना क्या है, लेकिन आपने इतनी स्मार्टली उन बच्चों का ब्रेन वॉश भी कर दिया और पूरी सिचुएशन संभाल भी ली। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सोबत का असर है मैडम सर, आप जैसा सीनियर होगा तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा ही हम पे। आपकी अच्छी बातें हम आपसे सीख रहे हैं। गुड, हमें खुशी है कि हम आपको कुछ तो सिखा पाए। चल 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 चल, रुकी रुकी रुकी, क्यों क्या हुआ? पीछे लीजिए। नहीं नहीं, हम जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ने पर विश्वास करते हैं। पुष्पा जी, गाड़ी पीछे लीजिए, जिंदगी में आप वैसे ही बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। कभी हमारी कुछ बात मानती हैं? अरे यार, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? वही जो रोज करते हैं, चिल कर रहे हैं, तो अपना गेम खेलना। लेकिन हमें तो हसीना मैम के उस एंटी मोबाइल एडिक्शन प्रोग्राम में जाना था ना, करिश्मा सिंह से हमने चैलेंज लिया था कि हम हसीना मैम के उस सेशन को अटेंड करेंगे, याद है? शिट यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? और कौन है करिश्मा मैडम? मेरी चाची लगती है तुम्हारी मैया की सास। जाने दीजिए ना। चाची लगती काम? जाने दीजिए ना, बच्चे है ना, इस उम्र में हम भी तो ऐसे ही होते थे। नहीं, आप करते होंगे, हम नहीं करते। हम करते होंगे मतलब, बचपन में हम इतने मुंह फटते? बचपन में मतलब आप कह रहे हैं कि हम अभी भी इतने मुंह फट हैं? क्या उधर मुंह करके क्या हंस रही हैं आप? नहीं, हम नहीं हंस रहे। अगर हिम्मत है तो हमारी तरफ देख के बोलिए ना, हाँ, कि बचपन में हम ऐसे ही मुंह फटते। काम कर ले। हाँ कर ले, कर ले। घर चलिए, लल्ला से कहकर आपको सीधा ना करवाया ना तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं। हाँ करिश्मा सिंह। मैडम सर, हम जा रहे थे और हमें वो दो बच्चे दिखाई दिए। आप मानेंगे नहीं मैडम सर, फिर से फोन पे लगे पड़े हैं और इतना फोन में घुसे हुए हैं कि हम उनके सामने खड़े उनको वो दिखाई नहीं दे रहा है। और बताइए, कितना बड़ा बड़ा हाथ के गए थे कि अब फोन पे नहीं लगेंगे। मजाक बना के रख दिया आपके इस मोबाइल लत विरोधी कार्यक्रम का मैडम सर, इतना मतलब इतना कैसे खो सकते हैं फोन पे कोई? हम लाते हैं मैडम सर इनको, है ना? नहीं नहीं रुकिए, छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए। का वापस आ जाए? काहे? हाँ करिश्मा सिंह, हमारी बात मानिए, वापस आ जाइए, क्योंकि जोर जबरदस्ती से हम क्या कर पाएंगे, वो और ज्यादा बागी बन जाएंगे, इस उम्र में बच्चे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और जोर जबरदस्ती से अगर हम उनको मना भी लेंगे तो कब तक मना कर रखेंगे? इससे प्रॉब्लम तो हल हो नहीं जाएगी, मोबाइल एडिक्शन तो छूट नहीं जाएगा उनका। इसलिए अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। आप आ जाइए वापस, हम सोचते हैं क्या हो सकता है। मैडम सर बिल्कुल सही कह रही है। जी मैडम सर, जैसा आप कहें। जीत गया। शिट यार, मैं आउट हो गई फिर से। कैसी आवाजें निकाल रहा है? कैसी आवाज? मैं कोई आवाज नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? तो फिर कौन निकाल रहा है टप्पर? कौन? पापा पापा, लाइट 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 ऑफ करो। अरे पापा पापा, मम्मी मम्मी, मैं आरुषि, मम्मी आप ठीक तो है ना? पटक कर मेरे जोर आए थे,
घर का जितना कीमती सामान था सब उठा के ले गए बेटा। अरे मेरा मंगलसूत्र नहीं छोड़ा, सब ले गए। हमने तुम दोनों को फोन भी लगाया लेकिन तुम दोनों ने कॉल रिसीव नहीं की। नहीं बेटा, बेटा मुझे बाद में खोला, चोर अभी भी गए बेटा, पहले पुलिस को फोन करो, जल्दी करो। अरे कॉल करना, डफर वेट क्या कर रहे हो, जल्दी 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 कॉल करो। हां करता हूं करता हूं। मैडम सर संजय का कॉल आता ही होगा, आपने जो प्लान बनाया था हमको लगता है वो शुरू करना होगा। मैडम सर। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। हेलो संतु जी, कैसी हैं आप? तूने मेरा हालचाल पूछने के लिए मुझे फोन किया है? क्या है ना कि आजकल फोन पर कुछ मधुर आवाज सुने हुए हमको बहुत दिन हो गया था, तो इसलिए हम सोचे कि हम आपको फोन कर लेते हैं। संतु जी, हमारा भी फोन आ गया। हम ना क्या बताएं, आपका आवाज कितना ज्यादा मधुर है। वो तो हम जानते हैं चीते। अरे आपका नहीं पुष्पा जी, सुनिए आपका नहीं जी पति देव। फोन नहीं लग रहा यार। दूसरे को वो संतोष शर्मा का कॉल नंबर है ना, उसको कॉल कर, जल्दी जल्दी कॉल कर। बिजी आ रहा है यार फोन। शिट यार, चीता चतुर्वेदी का कॉल भी बिजी आ रहा है, सबका दिमाग खराब हो गया क्या? कोई इमरजेंसी में कैसे हेल्प मांगेगा यार, ये लोग कैसे हैं? चल थाने, चल चल, आजा आजा, एक सेकंड, पापा के हाथ खोल देता हूं। अरे मेरे हाथ बाद में खोलना, हम कर लेंगे, तुम जाओ जल्दी जाके पुलिस को। हां ठीक है पापा, ठीक है, चल 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 चल, जल्दी जाओ। जी हसीना मैम, काम हो गया जी। हाँ अभी भी निकले जी मैम। मैम मैम मैम, हमारे घर में चोरी हो गई है मैम, चोर घुसाए हैं, मॉम डैड को कुर्सी से बांध दिया है और सारा का सामान चुरा के ले गए हैं मैम। हमने कंट्रोल रूम फोन किया था मैम, उन्होंने कहा कि यहाँ से हेल्प मिलेगी, फिर हमने फोन किया तो देखा सब लोग बिजी हैं फोन पे। यस मैम, और ऐसे सब लोग बिजी रहेंगे अगर फोन पे तो कोई इमरजेंसी में किसी से हेल्प कैसे मांगेगा? नहीं नहीं, वो क्या है, हमारे फोन की तो बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए बंद पड़ गया था। चीता चतुर्वेदी, कोई फोन बजा था क्या थाने का? फोन? हाँ फोन तो बजा था मैडम सर, लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारी मासूमियत का फोन आया हुआ था, हम वहाँ पर बिजी थे और गेम भी तो खेल रहे थे ना, प्रेस्टिक कर रहे थे, ये लोग सहारे हुए थे। क्या कर रहे थे? प्रेस्टिक कर रहे थे, गेम का प्रेस्टिक, प्रैक्टिस। वही संतु जी। संतोष शर्मा आपका फोन? मैडम सर वो घर से फोन आया था ना तो वहाँ बिजी थी मैं। मैडम सर हमारी तरफ देखिए ही मत, अब हम क्या कहें आपसे, हमारी महीने की बीसी खुलने वाली थी ना, आपको तो पता है ना आजकल कितनी बेईमानी होती है, हमारी जो सहेली है ना वो फोन पे हमें आंखों देखा हाल सुना रही थी, अब देखिए ना हमारी इस महीने भी नहीं लगी, किसी और की लगी। करिश्मा सिंह? मैडम सर वो क्या, हम टीवी पे न्यूज नहीं देख पाते हैं ना तो फोन पे हम जानकारी रखते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है ना, हम पुलिस हैं, अब इसमें कोई गुनाह तो नहीं हो गया? बिल्कुल गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप लोग पुलिस हैं, आपका काम है लोगों की हेल्प करना, उनको प्रोटेक्ट करना, क्राइम को रोकना। यहाँ पर हम लोग आपसे हेल्प मांग रहे हैं और आप लोग हैं कि अपनी डिटेनमेंट में बिजी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है नहीं, या फिर आप सब सिर्फ नाम के पुलिस वाले हैं? आवाज नीचे। एक बात बताइए, जब आपके घर में वारदात हो रही थी तब आप दोनों क्या कर रहे थे? अम्मा ये भी कोई पूछने वाला बात है मैडम सर, मोबाइल जिंदाबाद, उसी में ही लगे होंगे आप लोग। इसका मतलब जब ये वारदात आपके घर में हो रही थी, जब आप अपने माँ बाप की मदद खुद सबसे पहले कर सकते थे, तब आप दोनों फोन पर बिजी थे। और आप दोनों की हिम्मत तो देखिए, सब कुछ हो जाने के बाद आप यहाँ थाने आए हैं इस सारे फसाद की जिम्मेदारी हमारे सर पे मढ़ने। मैम आप जो बोल रही हैं बिल्कुल ठीक है, हमारी गलती है, लेकिन फिलहाल प्लीज मॉम डैड को बचा लीजिए, प्लीज चलिए हमारे साथ। प्लीज मैम हमारे साथ चलिए, प्लीज आइए। डैड, मॉम, पापा, आप लोग ठीक है ना? हाँ जी हाँ,
ये दोनों बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या है कि हमने एंटी मोबाइल एडिक्शन अभियान के जरिए आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका आप दोनों पर बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि ये दूसरी तरकीब लगाकर देखते हैं। आपके माँ बाप को कुछ नहीं हुआ, हमारे कहने पर इन्होंने एक्टिंग की थी। संजय, आरुषि, आज ये नाटक था, लेकिन हो सकता है कल ये सच हो जाए। सोचिए, अगर सच में कोई चोर आपके घर में घुसा होता तो, अगर आपके माँ बाप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो, तब आप दोनों पर क्या बीतती? हम यही बात आप दोनों को समझाना चाहते थे। मोबाइल अच्छी चीज है, जरूरी चीज है, लेकिन जिंदगी से बढ़कर नहीं है। अब समझ में आ रहा है? सॉरी मैम एंड थैंक यू। हमें ये रियलाइज कराने के लिए कि हम कितने गलत थे। सीरियसली मैम, आप थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। आपने हमें दिखाया कि फोन एडिक्शन से हम लोग कितना गलत जा रहे थे। हमारा फ्यूचर, हमारी फैमिली, सब कुछ बर्बाद हो रहा था मैम। मैम, जाते जाते हम लोग आपको एक सैल्यूट देना चाहते हैं आपके काम के लिए। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ। कायदे में रहिए, फायदे में रहिए में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस शो में फिर से उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम काफी दिनों से बात करते आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार और गजल दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, एक खूबसूरत सा अंजाम देना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस मुद्दे को भी एक खूबसूरत सा अंजाम दिया जाए। एडिक्शन, लत, आदत, ये सब क्या है? ये सब वो चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है, जो इस पूरी दुनिया में हमारे सबसे करीब, जिनके साथ वक्त बिताकर हमें दिल से सुकून मिलता है। लेकिन फिलहाल हम सबका एडिक्शन बन गया है मोबाइल फोन। जी हाँ, लेकिन क्या कभी आप सब ने ये सोचा कि जिस तरह आप सबका एडिक्शन मोबाइल फोन है, ठीक उसी तरह आप भी किसी का एडिक्शन हो सकते हैं। पता है क्या, हमें ना एहसास भी नहीं होता कि कब हम मोबाइल फोन की दुनिया में इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं कि अपने आसपास की दुनिया को भूल ही गए हैं। हमारे आसपास कौन है, क्या है, हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हैं, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। और वो भी ऐसी दुनिया के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो असलियत में है ही नहीं। ऐसे एक माँ बाप हमारे पास आए थे जिनके बच्चे मोबाइल एडिक्शन के शिकार थे। जी हाँ, वो कंप्लेंट लिखाने नहीं आए थे, वो बस बाहर जाइए। सॉरी मैडम, बाहर जाइए, मेरा मोबाइल ले लिया है। बाहर सर, आउट सर, बिल्लो सर, मे बी। सॉरी, माफी चाहते हैं। तो हाँ, हम कह रहे थे कि वो माँ बाप जो है अपने बच्चों के कंप्लेंट लिखाने नहीं आए थे, बस मदद मांगने आए थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि उन बच्चों को भी अब ये बात समझ आ गई होगी और वो अपने माँ बाप के साथ वक्त बिता रहे होंगे। चलिए, हम आपसे फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए सुनिए ये गाना। हाँ पुष्पा जी, आपकी जादू की छड़ी काम कर ही गई। बस एक बात कहनी थी आपसे अंग्रेजी में। हाँ हाँ, कहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू मैडम सर। हमें आप पे बहुत गर्व है। बस ऐसे ही खुश रहिए और दुनिया का हमेशा भला करते रहिए। शुक्रिया पुष्पा जी। पुष्पा जी, क्या
तो भूकंप आ गया, क्या हुआ? आप उतरिए, हैं? मतलब आप पैदल थाने आइए, पैदल थाने पहुंचिए। क्यों क्यों? हमने क्या किया? का किया? का चला है? चला तो आप रही है ना आपकी बाइक, हम तो पीछे शांति से बैठे हैं। शांति से? किससे बतिया रही थी आप अभी फोन पर? वो तो देहरादून वाली मासी, नन्नू मासी से आपको बात करनी है? नहीं नहीं, हमको बात नहीं करना है क्या? सारी बातें आप ही नहीं कर ली उनसे। क्या कहा आपने उनको? हम तो भागी उड़ गए जब से शादी करके घर पर आई है। जब से हम शादी कर आए हैं तब से लल्ला ने चैन का एक सांस नहीं लिया है। हा? ना मतलब उसको पता नहीं था लल्ला को कि वो शादी के मंडप पे बैठा है या फिर बम की मिसाइल पे, कि जब उठेगा तब फटेगा। और क्या कह रही थी आप उनको कि उनका कोई मेल ही नहीं है, एक रुई है और एक बम का गोला। बम का गोला दिखाई देता है आपको ना? बताइए क्या हमने आपका जीना हराम कर दिया है क्या घर पर आके? ऐसा कह रही थी आप उनको ना? बोलिए बोलिए बोलिए। कल रात आप भी है, आपकी आगरा वाली सहेली को बता रही थी ना कि आपका पति जो है वो हस्बैंड मटेरियल नहीं है, हमारे लल्ला में पति वाली कोई बात ही नहीं है। एक मिनट, आप छुप कर हमारी बात सुन रही थी? बात नहीं सुन रहे थे हम, दरवाजे का ऑयलिंग देख रहे थे, वो कान में रात के 1:30 बजे। रात के 1:30 बजे आप ऑयलिंग देख रही हैं दरवाजे का? हाँ पुष्पा जी। हाँ तो हमारा घर है ना, हम जो चाहे करें, जितने भी चाहे बजे, हम कुछ भी करें, मतलब रात को छत की सीलिंग साफ करें, रसोई घर में सोफे साफ करें, दरवाजे को ऑयलिंग देखें, हम आप ऐसे बाप को घुमाइएगा नहीं। आप हमें बताइए, आप बता रही थी कि नहीं आपकी सहेली को कि हमारा नन्ना हस्बैंड मटेरियल नहीं है। बहुत ड्रामेबाज देखे हैं हमने पुष्पा जी, आप जैसा नौटंकीबाज नहीं देखा। तो बैठे बैठिए। कितना कितना इंसान नौटंकी कर लेता है हमको समझ में नहीं आता, कितना नौटंकी हो जाता। अरे थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकते क्या हम आपसे? एक मिनट। बिल्ला। हाँ बिल्ला। हेलो करिश्मा मैडम। हाँ। आप जल्दी थाने आइए, बहुत बड़ा मसला हुआ है। मसला? क्या मसला हो गया? आप जल्दी आइए और खुद देख लीजिए। हाँ मसला हो गया पुष्पा जी, वहाँ जाके देखते हैं हम। कह रहे थे ना हमारी आँख फड़क रही है, अगर आप अभी मानते नहीं ना हमारी बात। कभी तो आराम से चलाया कीजिए ना। करिए, हमारी जान हलक में आ जाती है। मत बैठा कीजिए ना, मत आया कीजिए हमारे साथ, आना भी हमारे साथ ही है। ये क्या? आज सरकारी छुट्टी है क्या? हम कैसे भूल गए? चलो चलो चलो। नहीं नहीं, एक मिनट, कोई सरकारी छुट्टी नहीं है आज। नहीं है? ताला कौन लगा दिया? बिल्ला भी दिखाई नहीं दे रहा। बिल्ला कौन है जिसकी जिंदगी से संबंध खराब हो गए हैं? किसने ताला मारा यहाँ पे? पुष्पा जी ढूंढिए उसको। मैं यहाँ हूँ। पेड़ पर कहाँ से? यहाँ से आवाज आ रही है। नीचे उतर। चाबी दे, चाबी। नहीं दूंगा। पेड़ पर क्या कर रहे हैं आप? उतरिए नीचे। जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखोगे तब तक मैं चाबी नहीं दूंगा। अबे ये बम बौखला जाएंगे तू। अरे ये अंदर नहीं आएंगे तो रिपोर्ट कैसे लिखेंगे? क्या कह रही है? एक मिनट, वो कह रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे तभी हम आपकी रिपोर्ट लिख पाएंगे ना। तो हमें अंदर जाना है। हाँ तो चाबी दे दो। लाओ चाबी दो। नहीं, पहले प्रॉमिस करो आप मेरी रिपोर्ट लिखोगे, कोई आनाकानी कोई बहानेबाजी नहीं करोगे, बोलो मंजूर है तो मैं चाबी दूंगा। मैडम। जय मैडम। जय हिंद। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? इनका मासूमियत है, पिछली बार हम भी बंदर पकड़ते ऐसे ही पेड़ पर फंस गए थे संतू जी। ये टोपागिरी बंद करो तुम, और कोई समस्या है तो बैठ के हल निकालते हैं उसका। लो चाबी। नहीं दूंगा मैं चाबी। तो लफड़ पड़ेगा मुंह पे, चाबी नहीं दिया तो छीन लेंगे वहाँ। ये चाबी छीनोगे? ये रही चाबी और ये रही इसके अंदर गई। लो ढूंढो ढूंढो। चाबी
आज सुबह सुबह शोर क्या हो रहा है? जय मैडम सर, जय मैडम सर। मैडम सर देखिए ना, उसने ना अपने थाने को ताला मार के चाबी लेकर जाके बैठा है। उसने? किसने? उस आदमी ने। अरे किस आदमी ने? मैडम सर ये आदमी, वो बदनाम क्या कर रहे हो तुम? ये अरे हम नहीं कर रहे हैं छुटवा। ये आप कौन है? ये क्या कर रहे हैं आप? पहले मेरी रिपोर्ट लिखाओ। थूको मत यार। हाँ हाँ हम लिखेंगे रिपोर्ट। नहीं चाहिए। नहीं, मैं जब भी रिपोर्ट लिखाने जाता हूँ तब सब लोग मेरा मजाक उड़ाते, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देते, कहते कि ऐसी कोई रिपोर्ट होती नहीं है।